आपको पता है नीट 2021 पेपर हो चुका है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, पेपर का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया था, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन थे। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और देखा और कैलकुलेट किए कि कितने ईजी थे, कितने हार्ड थे और कितने मीडियम लेवल के थे। ईजी क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन थे, जो हर बच्चा उसको कर सकता था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से। और सेक्शन मीडियम जो क्वेश्चन थे, मीडियम 18 से 20 थे, और जो डिफ़िकल्ट से 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो जो बच्चे से नहीं हो पाए वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, और जिसने कर लिया अच्छी बात है। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन थे। मेरे हिसाब से अगर उसमें से आपने 5 या 7 क्वेश्चन कर लिए, अच्छे खासे क्वेश्चन है, काफ़ी है इतने, तो टोटल 50 क्वेश्चन आए थे। अगर आपने उन 45 में से 35 क्वेश्चन कर लिए या उससे अबव, 35 तो मिनिमम है, तो आपके अच्छा 140 स्कोर आएगा, वो अच्छा स्कोर और मॉडरेट और बढ़िया स्कोर माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से फिज़िक्स का जो लेवल था 2020 के कंपैरिजन के हिसाब से मॉडरेट लेवल है, ठीक है। इसको ना तो इजी कहेंगे ना टफ कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी का एनालिसिस के लिए, जो कि मेरा बैचमेट है इमरान, वो आपको बताएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान है और मैं आपको बताऊंगा कि नीट 2021 का बायो का एनालिसिस क्या है, मॉडरेट है, इजी है या हार्ड है। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस बार बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग थी। 35 क्वेश्चन सेक्शन ए, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी, दोनों में ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन था। तो मेरे हिसाब से जो ओवरऑल 90 क्वेश्चंस हमारे पास बायोलॉजी में थे, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं डालूंगा मीडियम कैटेगरीज में। यानी कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पढ़ने के बाद मैक्सिमम से ज़्यादा 1 मिनट से भी कम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चंस को मैं दूंगा डिफ़िकल्ट लेवल, क्योंकि बायोलॉजी को हमें जल्दी सॉल्व करना होता है ताकि हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम दे सकें। इसीलिए मेरा जो एनालिसिस बायोलॉजी का है, बॉटनी का भी और जूलॉजी का भी, अगर आपने 90 में से 80 क्वेश्चन सही सही बिल्कुल किए हैं, तो आप अपना सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट 2021 में। क्योंकि डिफ़िकल्ट लेवल बायोलॉजी में इतना ज़्यादा नहीं था, बायोलॉजी का सेक्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल मॉडरेट था, कोई भी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो कि आउट ऑफ द ब्लू हो। तो अगर आपके 80 क्वेश्चंस सही हैं तो आप बायोलॉजी में बिल्कुल सही हैं, आपके कॉन्सेप्ट सही हैं और आप अपने आप को एक बिल्कुल सेफ साइड पर देख सकते हैं। आगे का केमिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे हमारे बैचमेट मोहम्मद फिरोज़। फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ है। मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, केमिस्ट्री का पेपर कैसा आया था। जैसा कि आप जानते हो, केमिस्ट्री में 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए के बात कर ए के बारे में बात करता हूँ, उसके अंदर कैसा लेवल था, इजी था, मीडियम था, डिफ़िकल्टी था। इजी की बात करूँ तो उसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन जो थे वो मेरे अकॉर्डिंग इजी थे, जो हर कोई बच्चा कर सकता था, और 15 से 16 क्वेश्चन मीडियम थे, जो भी मतलब अप्रॉक्स 10 से 12 क्वेश्चन उसमें भी सही हो सकते थे, और 3 से 4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। तो ओवरऑल 35 में से कोई भी एक नॉर्मल पर्सन 25 से 30 क्वेश्चन के बीच कर सकता था। तो 28 से 30 क्वेश्चन अगर किए होंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और बाकी 15 क्वेश्चन जो सेक्शन बी के अंदर थे, उसमें से अप्रॉक्स 7 से 8 क्वेश्चन अगर सही किए होंगे तो बढ़िया पेपर हो गया। कुल मिला के बात ये हुई कि 45 में से अगर आपके 35 क्वेश्चन से प्लस सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। आज हमने पूरा पेपर एनालिसिस किया है। फिज़िक्स का मैंने किया था, केमिस्ट्री का फिरोज़ भाई ने किया था और बायोलॉजी का इमरान ने किया था। तो ओवरऑल कंक्लूज़न निकल के ये आया है, 20 के कंपैरिजन में जो हम 21 का पेपर आया है, ये लिटिल बिट टफ आया है इसको, लेकिन हम ज़्यादा टफ भी नहीं बोलेंगे, ज़्यादा ईजी नहीं और मॉडरेट बोलेंगे। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 20 कंपैरिजन में इस बार कट ऑफ कम जाएगी, और अगली वीडियो हम बनाएंगे उसमें टॉपिक ये होगा कि कैटेगरी वाइज किसको कितने नंबर पर कितनी रैंक तक कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।